दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गैस्ट्रो में। और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे हमारे ग्रह विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ खास भाग्यशाली चिन्हों के बारे में। दोस्तों खास भाग्यशाली चिन्हों और कुछ विशेष चिन्हों के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने देखा भी है। इस बार आपको हम फिर कुछ और नए खास ग्रह विशेष क्षेत्रों पे पाए जाने वाले कुछ ऐसे चिन्हों से अवगत कराएंगे जो कि देखने में बहुत ही सामान्य है, अंदर की रेखाओं से निर्मित है, लेकिन वे आपके जीवन के लिए बहुत ही सुफलदायक और आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब फर्श से अर्श पे पहुंच गए, मतलब आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमताएं रखती है। और एक सारी रेखाएं हैं जो कि खास एज वर्ग में ही, क्योंकि हरेक माउंट का, हरेक पर्वत का अपना उदय समय होता है, उसी के अनुसार ये रेखाएं काम करना शुरू करती है। तो आज मैं आपको मुख्य चार ग्रहों के ऊपर उपस्थित होने वाले इस खास रहस्यमय चिन्हों से आपको अवगत कराऊंगा जो कि आपके जीवन में ग्रह उदय समय के अनुसार खास परिवर्तन लाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस खास ग्रह की, जिसे हम गुरु बृहस्पति या जुपिटर ग्रह के नाम से जानते हैं। इस ग्रह पे वैसे कौन से चिन्ह है? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, वर्ग का चिन्ह हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आज मैं आपको अंदर के चिन्हों से बनने वाले कुछ खास चिन्हों के बारे में बताऊंगा। अंदर के चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो अंदर की लकीरें हैं, छोटी छोटी घड़ी घड़ी जो लकीरें हाथ पे हमारे पाई जाती है, इन लकीरों से वो रेखाएं बनती है। और उसे आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेखाएं यहाँ पे बनी हुई है। तो दोस्तों उन्हीं के बारे में आपको हम आज बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको रेखाएं नजर आ जाएंगी, ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं अंदर की रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे करके जा रही है। इस यवल रेखाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इन रेखाओं के द्वारा आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम दोस्तों। अगर इस गुरु ग्रह पे अगर कहीं से भी आपको दो स्रोतों से चलती हुई ऐसी रेखाएं दिख जाएं, ठीक है, अंदर से रेखाएं ऐसी आके यहाँ पे त्रिकोण जैसा ये बना के यहाँ से निकल जाए, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ये अंदर की रेखाएं हैं जो कि आपको एकदम महीन रेखाएं होती हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर ऐसे निकल जाए दोस्तों, ये बहुत ही शुभ रेखा है। ऐसे अगर किसी जातक के भाग्य में ये बनता है, वैसे जातक के जीवन में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और जीवन की जो भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि है, जो कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो उपलब्धियां उन्हें प्राप्त होती है। ये रेखा आपके जीवन को मतलब पूरी तरह से, आप खुद पे यकीन नहीं कर पाते कि क्या ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, वैसी स्थिति ये रेखा ला देती है। अगर इसे कोई रेखा किनारे से कहीं से कोई भी रेखा इसे डिस्टर्ब ना करे, भंग ना करे, कोई रेखा इसे काटे ना, तो ये रेखा आपको क्या फल देती है इसे आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ रेखा है, बहुत कम हाथों में ये आपको पाई जाती है। अगर ये मिल जाए तो बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा इस खास क्षेत्र पर अगर मैं बताऊं आपको तो कुछ और ऐसे चिन्ह हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। उन चिन्हों में है, यहाँ पर आपको किनारे से ऐसे आके, ठीक है, यहाँ से ऐसे हो जाए, अगर ऐसा ये चिन्ह बन जाता है अंदर की रेखाओं से, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी रेखा है। ये रेखा आपको हमेशा किसी भी परिस्थिति में किसी भी मुश्किलों से बचा के और आपको सर्वोच्च पद की प्राप्ति करवाती है। ये आपको कभी भी मुश्किलों में फंसने नहीं देती। ये ऐसी रेखा है, अगर ये खासकर बस इसी पर्वत पे हो तो ये आपको वैसा फल देती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। यहाँ पर भी कौन सी रेखाएं हैं जो कि आपको लाभ देती है दोस्तों? अगर यहाँ पे ऊपर बाहरी रेखाओं में अगर ऐसा निकल के चले, ठीक है, जो मोटी रेखा है इस टाइप की रेखा हो, और इसमें यहाँ से नीचे से ऐसे किनारे से रेखाएं पेड़ की भांति अगर ऊपर की तरफ उठ के चले, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इसका रुख हो,
तो ये रेखा बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसे लोग जिनके भी हाथ में होता है, शुरुआती काफी मुश्किल संघर्षों के बाद ये बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, बहुत ही आर्थिक रूप से सबल होते हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं रहती, मतलब बहुत ही ज्यादा पैसों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग बहुत बड़े दानी भी देखे गए हैं, दान वगैरह भी ये लोग काफी करते हैं। उस क्षेत्र में इनकी काफी रुचि होती है, एनजीओ वगैरह से ये लोग, एनजीओ वगैरह से लोग जुड़े होते हैं, उस क्षेत्र में भी काफी खर्च करते हैं। इसके अलावा राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ होती है, राजनीति में इनका वर्चस्व होता है पैसों की बदौलत, उस क्षेत्र में ये काफी लाभ कमाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र पे अगर, जैसा कि साथ में आप देख भी रहे हैं, ऐसा कोई निशान हो, ये तो ऊपर की तरफ नहीं जा रही है लेकिन मैंने इस ऊपर तक आपको करके सिंबल के द्वारा बता रहा हूं, अगर ऐसी भाले का निशान आ जाए, एक और एक दूसरा गुड साइन है जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने की क्षमता रखती है, बहुत ही बेहतरीन साइन है जो कि इस पे आपको अगर आ जाए तो मतलब आपके जीवन को पूरी तरह से उलट फेरे कर देती है आपके लाइफ को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन दोनों, खासकर शनि और सूर्य के बीच पाई जाने वाले खास रेखा के बारे में। दोस्तों यहाँ पे अगर कहीं पे भी इस तरीके से अंदर की रेखाओं से, ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं ना, इन रेखाओं के द्वारा अगर आपको इस प्रकार की आकृति आपके हाथ में बनती है तो इसे दुर्लभ संयोग माना जाता है और ऐसे लोग का कोई काट नहीं है। ऐसे लोग पे किसी भी ग्रह का, किसी भी बाधा का, किसी भी बुरी नजर का कोई असर नहीं होता है। इस क्षेत्र में अगर ये रेखा आपको शंख का निशान मिल जाए तो ऐसे जातक का जीवन, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूं कि कितना दुर्लभ होता है। ऐसे जातक बहुत ही मुश्किल से लोगों के हाथ में पाए जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा अंदर की रेखाओं के द्वारा ये निर्माण हो जाए तो वैसे जातक के जीवन में फिर कभी दुखों का सामना उसे नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि उसे अगर वो थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति का है तो ऐसे लोग मोक्ष तक की ही प्राप्ति होती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के संबंध में। दोस्तों सूर्य की ये रेखा, यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, ये हमारा सूर्य का क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जाने वाले कुछ रेखाओं के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सूर्य की रेखा एक ऐसी रेखा है जो रेखा आपको समाज के किसी भी बड़े क्षेत्र में, राजनीति से लेकर बिजनेस से लेकर हर एक क्षेत्र में, अगर आपको बड़े स्तर पे जाना है, बड़ी चीजों को जानना है, बड़ा पद प्राप्त करना है, तो उसके लिए सूर्य की रेखाओं का मजबूत होना अत्यंत नितांत आवश्यक है और अत्यंत जरूरी है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि सूर्य की रेखाओं की वैसी कौन सी स्थिति है जो कि आपको इस क्षेत्र में काफी आगे तक ले जाती है। तो दोस्तों अगर त्रिभुज के साथ ये रेखा आगे की तरफ चली हो, ठीक है, यहाँ पे हृदय रेखाओं को, वैसे जनरली आपको बता दूं कि सूर्य की रेखा भी यहीं से कर्तव्य से ही शुरू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। जनरली आप देखेंगे या तो मस्तिष्क रेखा से, या यहाँ से हृदय रेखा से, या थोड़ा मस्तिष्क के नीचे से ये रेखा शुरू होती है। तो अगर ये बहुत नीचे से कर्तव्य से हो तो बहुत ही शुभ है, अगर मान लो कर्तव्य से नहीं है, यहां से अगर त्रिभुज के साथ ये आगे बढ़ी है तो ये व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखने वाली होती है, बशर्ते कोई विरोधी रेखा ऊपर से नीचे की तरफ ना आ रही हो, कोई रेखा इससे नीचे की तरफ ना जा रही हो। अगर ये नीचे की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ विरोधी रेखा आ रही होगी तो इसके लिए परेशानी होगी। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये और बहुत ही शुभ साइन है, गुड साइन है, ऐसे में व्यक्ति को डबल इनकम होगी, वे बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी होंगे, एक्टिंग के क्षेत्र में कवि हो सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक्टिंग वगैरह के क्षेत्र में इनकी काफी रुचि होती है, उस क्षेत्र में काफी नाम करते हैं। इसके अलावा अगर इन संधि रेखाओं के बीच से कोई रेखा नीचे की तरफ आई हो तो एक और गुड साइन है, ऐसे लोग काफी पढ़े लिखे भी होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आपको खासकर बुध ग्रह के बारे में, कि बुध ग्रह पर वैसे अंदर की रेखाओं से आने वाले और ऊपरी रेखाओं से आने वाले वैसे कौन से साइन है जो कि आपके जीवन में काफी हद तक आवश्यक है और आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों किनारे से सबसे पहला वाला, अगर गहरा नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस में काफी नाम करते हैं। इसके अलावा दूसरी रेखा अगर ज्यादा गहरी और ऊपर की तरफ गई हो तो ऐसे लोग चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा नाम करते हैं, चिकित्सक वगैरह मतलब डॉक्टर वगैरह में, इंजीनियरिंग में ये अच्छा नाम करते हैं। इसके अलावा अगर तीसरी रेखा लंबी हो और अच्छी से सीधी ऊपर तक गई हो तो ऐसे व्यक्ति स्कॉलर होते हैं, ये लोग शिक्षा वगैरह एजुकेशनल सेक्टर में ये लोग काफी नाम करते हैं, उस क्षेत्र में इनकी काफी रुचि होती है, उस क्षेत्र में ये बढ़िया नाम करते हैं। इसके अलावा इस खास क्षेत्र में अगर यहाँ पे कहीं भी आपको ब्लैक डॉट, तिल का जैसा निशान आ जाए तो दोस्तों ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नाम करते हैं, गुप्त विद्याओं के धनी होते हैं, इस क्षेत्र में काफी कुछ नया इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर इस खास क्षेत्र में
शंख का निशान उल्टे की जैसा आपको नजर आए, ठीक है, ऐसा यहाँ से ऐसा करके आपको यहाँ से नजर आए। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर यहाँ पे नजर आता है तो ये थोड़ा आलसीपने का निशानी है। ऐसे लोग थोड़ा आलस होने के कारण ये लोग जीवन में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, सारी टैलेंट रखने के बावजूद ये ज्यादा नाम नहीं कर पाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम है। इसके अलावा अब दोस्तों हम बात करेंगे इस क्षेत्र की, मंगल के पहले क्षेत्र की। मंगल के पहले क्षेत्र पे दोस्तों अगर कहीं भी आपको अगर सीधी लकीर यहां से ऊपर की तरफ चलती हुई मिल जाए जो कि सीधी हो, तो दोस्तों 100% ऐसे लोग मतलब न्यायालय के क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जस्टिस और इसके अलावा कोर्ट कचहरी से इनका लेना देना होता है। ऐसे लोग वकील होते हैं, ऐसे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंटी में भी काफी पाए जाते हैं, ऐसे लोग जज वकील और पुलिस में काफी मात्रा में पाए जाते हैं और उसमें अच्छा नाम करते हैं। लेकिन अगर इस पे कहीं से भी कोई आड़ी रेखा इसे काट दे तो ऐसे में जातक को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस क्षेत्र में इन्हें दिक्कत होती है। दोस्तों अब अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे अन्य ग्रहों के बारे में कि अन्य ग्रहों पर रेखाओं की कौन सी स्थिति, कौन सी सुफल रेखाएं हैं जो कि आपके जीवन में काफी अच्छा अनुभव आपको देती है और अच्छे पथ पर ले जाती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।